शाइस्ता वाहिदी से शाइस्ता लोदी तक का सफर कितना मुश्किल, कितना कठिन था जो एक औरत ने अकेले तय किया? मैं इसको बड़े डिफरेंट एंगल से लेती हूँ. मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारा सफर था, बहुत प्यारा. देखो, हर औरत, मेरी अम्मी की जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का बहुत शुक्र. ये इजी नहीं होता कि आप एक लाइफ से एक सेटल लाइफ, आप एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं. लोगों के लिए कहानी होती है लेकिन वो आपको पता होता है. लेकिन मैं उसको इस तरह से लेती हूँ कि मुझे उस खूबसूरत 12 साल के सफ़र में पूरे मुझे बच्चे मिले, मुझे बहुत सारा फहम विजडम वो, और मैंने अपनी जो एक्स मदर इन लॉ हैं उनसे, आई थिंक मैं अपनी माँ के पास उतना ज़्यादा नहीं रही जितना मैं उनके पास रही. वो डॉक्टर थी? तो जी डॉक्टर थी, डॉक्टर हैं. मतलब लाइक वो जी उनसे जी 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 वो वाली चीज़ आई. और तो मैंने उनसे शायद अपनी माँ से ज़्यादा सीखा है नदा, क्योंकि मैं अम्मा के पास थी तो बस पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते वहाँ चले. उसके बाद तो मुझे पता चलना शुरू हुआ है कि अच्छा लाइफ क्या है, कैसी. और उसी सारे ज़माने में मैंने टी वी ज्वाइन किया. तो शायस्ता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, होता है घर की तरफ से? नहीं, तो मिशन मुझे नहीं ऐसा साल में थोड़ा सा थोड़ी सी थी. इस तरह की तो ऑब्वियसली यार होती है. नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं करो. उन्होंने मुझे बड़ा मना किया, मैं नहीं मानी. लेकिन देखो, दो बहुत अच्छे लोग भी ना कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो बैड टेस्ट कर देती हैं, या आपकी आगे उस तरह से नहीं चल पा रही. इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है निदा कि मैं जज करूं कि तुम बहुत बुरे हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूं. या हो सकता है मेरी भी गलतियां हों बहुत सारी, हो सकता है वहां से भी गलतियां हो गई हों. और अच्छे नोट पे ख़त्म की हुई बात ही में आपकी भी इज्जत होती है और सामने वाले की भी इज्जत होती है इसी तरह. तो आई थिंक वो एक बेहतरीन बाप थे, बेहतरीन बाप थे. और हर बंदा, जैसे मैं शायद बेटी अच्छी होंगी, मैं कुछ कैपेसिटीज़ में नहीं काम उस तरह की कैप उस तरह से नहीं पहन सक रही पा रही होंगी, और इसी तरह मेरी भी गलतियाँ होंगी, वहाँ से भी गलतियाँ. तो जैसे लाइक तुम काम कर रही थी तभी तुम्हारे बेबीज हो रहे थे? जी जी बिल्कुल. सुना है जब लाइक तुम प्रेगनेंसी में भी बहुत रेडियो शोज क्या कर रही हो? बिल्कुल, रेडियो शोज क्या कर रही थी, जिन्हा हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी. हमारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, आपको पता, हाउस जॉब और चीज़ें. तो मेरी अम्मी ने, मेरी मदर इन लॉ ने मेरा बड़ा साथ दिया. और फिर उसके बाद ज़ाहिर है इट वॉज़ वेरी टॉर्चरस फॉर मी कि मेरी एक चीज़ चेंज हुई इस तरह कि मेरी शादी ख़त्म हुई. और फिर मेरी उस शादी के बाद मेरे ज़िंदगी के जो 3 साल थे वो भी इस तरह के बड़े मुश्किल थे. हाँ, बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए. वो आई थिंक सारी औरतें इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं कि इमोशनली तो आप टर्मोइल से गुजरते हैं और जो सोसाइटी आपको गुजारती है. फिर एक ऐसी खातून जो सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे टीवी पे आ रही है, फिर रात में रिपीट भी हो रही है, तो उसके लिए एक आम औरत बेचारी जो कभी टीवी पे नहीं आई कोई, उसके लिए क्या क्या बातें नहीं बनती जो हमारे लिए जाहिर है. हमारी तो फिर हर चीज़ बहुत आप हर चीज़ की कॉस्ट है, सीट पे बैठने की भी कॉस्ट है, तो हम देते हैं. कुछ तो लोग कहेंगे, आपकी कुछ लोगों का काम है कहना. वरना मैं कहती हूँ कि वरना अक्सर ऐसा होता है कुछ बच्चियों के घर नहीं बस पाते. कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन क्योंकि आप ऑन स्क्रीन आ रहे हैं तो वो आपकी सारी बातें फिर आपकी. फिर आई थिंक मुझे कई बेवकूफ साथियों ने मेरे ये भी मशवरे दिए कि टीवी पे आके ना सब बोलो. ये भी मैंने बड़ी बेवकूफियां की. फिर बाद में मुझे कुछ अकलमंद मिले और अपने तजर्बे से पता चला कि नहीं, किसी शो में अनाउंस किया था ना इस तरह कुछ थोड़ा बहुत. हाँ, वो फिर एक बात आप कहते हैं तो उसकी 100 खुद ब खुद बन जाती है, जो कि आपको भी नहीं पता होती कि ऐसा हुआ था. सो वो चीज थी जिससे उस सब चीजों से तुम्हारे बच्चे कैसे गुजरे, तुमने उनको कैसे संभाला? वही मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि मुझसे बहादुर तो मेरे बच्चे हैं, कई गुना बहादुर मेरे बच्चे हैं. क्योंकि वो एक तो इतनी बड़ी इस तरह के एक चीज़ से गुजरे जिन्हें उस वक्त मुझे लग रहा था कि एज माँ, और आप बहुत यंग होते हैं ना तो आपको लगता है नहीं नहीं, नहीं सही है बस मैं हूँ यूँ हो जाएगा यूँ. बाद में आपको समझ में आती है वक्त के साथ साथ चीज़ें कि देखो शादी एक बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन हर शादी में ऐसा नहीं है कि आपकी और यासिर की कभी कोई बात गलत नहीं होती. होती है सबके साथ होता है, और आपके साथ भी. मेरी तो गलत होती है, इनकी तो हो ही नहीं सकती. क्यों? क्योंकि दीदी का कभी बात गलत हुई? और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है. कहती है फाखिर, अच्छा मेरी मस्ती कर रही हूँ. माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल है, बहुत प्यारा कपल है. तो हर कपल में ऐसी थोड़ी बहुत इस तरह की बातें होती हैं. तो मैं सिर्फ ये बताई थी कि अगर उस वक्त इतनी अकल होती तो शायद मैं बहुत सारी चीज़ों पर मैं समझ जाती.
और फिर मैंने उसके बाद जितनी सारी फ्रेंड्स ने सब कुछ, मैं ये नहीं कहती कि जहाँ बिल्कुल हालात ऐसे नहीं आप रहे, लेकिन शायद समझना चाहिए बहुत सारी चीजों को, मेरी भी गलतियां थी उसमें, और फिर वो सारा, लेकिन तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा, मगर शायद तुम्हें अल्लाह ताला ने फिर दोबारा मौका दिया अपनी जिंदगी जीने का, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है मुझ पर कि इतने सारे के बाद अदनान का इस तरह से आना मेरी लाइफ में बच्चों के साथ ऐसे, और अदनान भाई बहुत अच्छे आदमी माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने पता नहीं मुझ पर कोई किसी और को ये नहीं, किसी को ये नहीं पता कि आपके जो फर्स्ट हस्बैंड था उनका नाम क्या था? वकार, वकार साहब जो है उस दुनिया में आप नहीं रहे, वकार आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कुछ भी है वो आपके बच्चों के बाप, तो बिल्कुल उनको क्या हुआ था ऐसा, और ये मतलब लाइक कितने अरसे बाद हुआ आपकी, हम तो ज़ाहिर अलग हो गए थे, उसके बाद मेरी शादी हो चुकी थी, अच्छा उनका भी अपने ज़ाहिर है वो मूव ऑन कर गए थे और उनकी भी शादी हो चुकी थी, और वो फिर सडनली विद इन एक डेढ़ साल के अंदर उस उनकी शादी के बाद उनकी तबीयत भी ख़राब रही, खांसी और पेट में उनके लिवर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर उनको, और पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी लाइक बाद में डायग्नोज हुआ कुछ थी उनको? अच्छा। हमेशा से एक डिजीज थी जिसको, अच्छा। लिवर की एक प्रॉब्लम थी, वो थी हमेशा से, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं था, अच्छा। लेकिन वो होते होते फिर अल्सर की शक्ल और चीजें काफी बिगड़ गई उसमें, और शायद वो कहते हैं ना आप बहुत सारी और चीजों में लगे हो अपने काम में, फिर उनकी नई लाइफ थी चीजें, तो उस तरह से केयर नहीं हो पाई, या जो होने वाली बात होती है अनदा फिर वो हो जाती है, बंदा इंसान ना बहाने ढूंढते ही रह जाता है कि शायद इसलिए हुआ, शायद इसलिए हुआ, अल्लाह ने जो जिस तरह से जैसे, लेकिन मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई फाखिर कि जो इनकी मदर इन लॉ, एक्स मदर इन लॉ, लाइक ये लोग आपस में बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, बच्चे मिलते साथ हैं, रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो खुद इतनी अच्छी हैं कि मैं समझती हूँ कि मेरी, मेरे पास अब तीन माएँ हैं, सच्ची मुच्ची मेरे पास तीन माएँ, मेरी अपनी माँ और मेरी उनका वकार की, और मदर, वकार साहब की अम्मी की, वकार की होते बच्चे थे माशाल्लाह, उनके बाकी फैमिली भांजे भतीजे बहुत ज़्यादा, वो होती है ना क्लोजली निटेड फैमिली होती है, वो उस तरह के हैं, उस तरह की फैमिली है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी तीन माएँ हैं, तो मैंने कहा मेरी उनके साथ ही रहते हैं या क्या इस तरह करीब हम लोग करीब करीब है ना, कितनी अच्छी तो बात है, शायद आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा कि आपने उनको इतनी मतलब इज्जत है बहुत बड़ी कि बच्चे अपनी दादी के करीब है, वरना यार बच्चे तो उनके हैं बच्चे उनके, और ये तो बहुत ही, मैं अपने बच्चों को गलत सिखा, और आप ये देखे ना कि मेरी जो अदनान की जो मदर है मेरे हस्बैंड की, जब वो हमारी बात होती है फोन करती हैं, यानी मैंने कहा मेरी तीन माएँ हैं, तो वो उनको भी पता है, वो भी उनके बारे में पूछ रही होती हैं, हाँ। कैसी हैं अम्मी, ठीक हैं, खैरियत से हो, कब गई थी, हाँ बच्चे, और उनको पता है कि बच्चे जाते हैं सारी चीज, तो इट्स अ फैमिली, और तुम्हें कितनी हेल्प मिल गई कि तुम्हारे बच्चों के सर पे तीन बड़े हैं ना, तीन yes, बड़े yes, yes, yes. अब्बू माशाल्लाह तुम्हारे चौथे। हम लोग ना चीजों को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि वो हमारे हमें अपने आप, मैं अगर आपके बारे में गलत सोचूंगी तो ये आपके लिए गलत नहीं है, ये सबसे बड़ा गलत तो मेरे लिए है, मेरी अपनी सोल पे इतना टैक्सिंग होगा, मेरी अपनी बॉडी पे, मेरे हर सेल पे जिस नेगेटिविटी का असर पड़ता है, हम ये नहीं सोचते, लेकिन ये चीज सोच, ये चीज 2015 क्यों, मुझे मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती कि हाँ, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से मुझे जाना पड़ा, और मैं गई, और फिर तकरीबन एक साल डेढ़ साल के लिए मैं गई, फिर मैंने, तुम सोचो निदा, मैंने लोगों को क्या फायदा बोलने का, मैं पता है मैं तुमसे ये बातें क्यों कर, बहुत सारे लोग इस तरह जिंदगी से गुजरते हैं ना, वो विल पावर उनकी वहीं छोड़ देते हैं और कहते हैं बस खत्म, हम तो गिर गए। देखिए मैंने, मैं एक ऐसे घर की बच्ची थी जहाँ के ज़ाहिर है कोई बहुत ना अमीरी थी ना बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, बड़ी मिडिल क्लास की फैमिली, अच्छा खा लिया, थोड़े बेहतर घर में रह गए, अच्छे ज़्यादा स्कूलों में पढ़ लिया बस। अब सोचें मैंने उस, और मेरे माँ बाप ने, मैंने कहा मेरे माँ बाप ने कोई प्लेन ट्रेवल नहीं किया था उस वक्त तक, ठीक है, हम उस घराने से हैं हम, और ट्रेन में भी बेचारे नहीं गए क्योंकि हमें पढ़ाने के लिए बाद में पैसे बचते ही नहीं थे कि वो जाएं कहीं। सो मैं कैसे, और फिर मैंने सारे मॉर्निंग शो शुरू किया, और जो होते होते करते करते फिर मैं जब नई ऑर्गेनाइजेशन में एयरवाइज से स्विच किया तो उन्होंने मुझे घर भी दिया, मैं तो वो मैंने घर बड़े ना प्यार से बनाया, बहुत प्यार से एक एक चीज़ करके, मैं जैसे होती, मुझे बड़ा शौक था, मेरी अम्मी को भी शायद मैंने वो विरासत से लिया था, लेकिन सोचो कि जब मुझे जाना पड़ा
तो वो मैंने एक एक चीज़ जो बहुत प्यार से ली थी, मैं बैठ के रोती थी नदा उस चीज़ को देखती थी, मैं बैठ के रोती थी, मैंने कहती ले जाएं इसको, ये फलां को दे दो, ये फलां को दे दो। मेरी फ्रेंड ने कहा तुम्हारी व्हाटएवर जो भी यूँ चीज़ें हैं ये है वो है, उसने बेचारी ने तनिक किस किस पे लगा के वो चीज़ें दो चार बेची बची। उस वक्त तो मुझे होश ही नहीं था क्योंकि मुझे निकलना था और मेरा घर और मेरा भरा भराया मतलब कहते हैं प्यारा घर जो मेरे लिए प्यारा था, मैंने विद इन 2 डेज सारी चीज़ें बेची। वो मेरी कुछ फ्रेंड ने बेची, कुछ मैंने दे दी लोगों को ले, और जो मेरे दिल पे गुजरती थी कि वो चीज़ें उठा के जब लोग ले जा रहे थे तो मैं कहती थी सिर्फ मैंने डॉक्यूमेंट्स रखे अपने और बच्चों के, और वो मैंने एक सूट पे केस पैक किया और मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत लिक्विड अमाउंट था लिक्विड था वो मैंने रखा और मैं चली। और मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी पुप्पो के पास जाऊंगी जोहान्सबर्ग, वहाँ क्या लाइफ और के जब साथ होना है। वहाँ गई तो वो ज़िंदगी भी आसान नहीं थी, वो एक छोटा सा वक्फा मेरे पास, पैसे मेरे पास थे उन दिनों, मैंने घर लिया था तो जितने पैसे थे ना मैंने पाकिस्तान में मैंने लिया, तो मेरे पास पैसे बैंक में नहीं थे, अब मेरी तनख्वाह थी मेरे पास एक महीने की, मैं चली गई इस उस पर कि अब मेरी सेकेंड मंथ आएगी, अब मुझे नहीं पता मुझे वहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा। तो मुझे मैं वहाँ पहुँची। अच्छा, तो मेरे चैनल ने सपोर्ट भी नहीं किया, मतलब आगे पैसे इस पैसे इन द सेंस नहीं, ऐसा नहीं कह सकते चैनल सपोर्ट किया, लेकिन मुझे ऑब्वियसली वो चैनल भी देख रहे हैं मैं वहाँ काम नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई क्यों पैसे देगा भाई। तो वहाँ से मुझे कॉल आ गई चैनल से हेड से, तो उन्होंने कहा कि मुझे याद है आज भी आसिफ रजमीर साहब की कॉल आई थी, उन दिनों में हेड थे वहाँ, उन्होंने कहा कि अगले महीने से आपकी सैलरी तो कैसे, क्योंकि मैं काम नहीं कर रही हूँ, ज़ारा मॉर्निंग शो हो नहीं रहा। फिर मैंने उनसे कहा कि देखें मैं बच्चों के साथ इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास एक कार्ड है जिसको मैं स्पेंड कर रही हूँ, उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो आप खुद सोचें इसमें मेरे। तो बेचारे बहुत ही ज़ाहिर है उन्हें भी हिदायत मिली थी, तो उन्होंने कहा था वो बेचारे कहने लगे अच्छा मैं बात करता हूँ पर मैं आपको फिर इसके बारे में बताता हूँ। बाहर उन्होंने बात की, चीज़ें मेरी फिर भी थोड़ी सी आसान होगी, लेकिन बहुत मुश्किल टाइम था ना, मैं बता नहीं सकती। मेरे साथ मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, और मुझे याद है आज भी कि मैं जी जी बिल्कुल मैं कैसे अकेली बच्चों को लेके ऐसे मैं, और मैं US में किसी को जानती नहीं थी। कितनी पुरानी बात है ये, 5 साल पुरानी 7 साल पुरानी मैं नहीं जानती थी मेरा कोई, मुझे मैं जिस तरह से हॉटस्पॉट अंदाज में जल्दी मैं गई हूँ ना, तो ना मेरा किसी से कॉन्टेक्ट हुआ था ना जो मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस तरह बुकिंग करा रही हूँ, क्या जो मेरे ट्रैवल एजेंट ने कर दिया मैंने सोच लिया कि बस ठीक है। कौन से शहर में आप गई फिर? मैं वही आपको बताती हूँ कि DC में मैं गई, और DC से मुझे अपने क्योंकि मेरे बच्चों का डेट था कि इस डेट पे उन्हें वापस जाना है, बच्चे वापस जाना चाहते थे, मेरे पेरेंट्स वापस जाना चाह रहे थे। अच्छा निदा ऐसा नहीं है, मैं वहाँ गई और उधर मुझे एक बहुत अच्छे जगह पे जॉब का ऑफर भी हुआ। अच्छा, एज अ होस्ट या कोई किसी और? जी 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 जी, हमारे यहाँ उनके प्रोग्राम्स भी चलते हैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे। अच्छा हाँ, सो मुझे उन दिनों में VOA की तरफ से ऑफर हुआ कि जी आप आ जाएं और इस तरह। लेकिन देखिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट एजेंडाज और चीज़ें होती हैं, मैं एक इतने ऑलरेडी मैं उससे गुजर चुकी थी कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैं अमेरिका रहने ही नहीं चाहती थी, मतलब मैं क्यों वहाँ, मैं पाकिस्तान में जैसे रह सकती थी मैं अमेरिका में क्यों रहती, मैं रहना ही नहीं चाहती थी, मेरी कोई अफिलिएशन ही नहीं थी। मैंने कहा नहीं तो मैं तो वापस जाऊँगी। अब सोचिए मुझे यहाँ के लोग कह रहे हैं खबरदार वापस ना आना, वापस ना आना, ये भूल ना करना। और मेरे माँ अम्मा बाप भी कह रहे हैं नहीं बेटा नहीं पता नहीं क्या हो, आप रह जाओ आप यहीं रहें। और फिर मेरे माँ बाप सारे, मेरे बहन भाई भी थे, मेरे बच्चे उनके फादर यहाँ थे, हमारी सेपरेशन हो चुकी थी, वो भी बुला, बच्चों को अपने बाप के पास भी। अब मैंने अपने